काशी मीरा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने अपने परिसर में हुई 23 लाख की चोरी की घटना को चोरी की घटना के 10 घंटे के अंदर सुलझाते हुए पालघर के नालासुपारा रेलवे स्टेशन से अब्दुल शेख उर्फ अब्दुल चीरा को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। काशी मीरा पुलिस ने आरोपी अब्दुल के पास से चोरी किए गए सामान में से 23,10,000 रूपए के मुद्देमाल जब्त किए। गिरफ्तार चोर अब्दुल शेख पर राजस्थान, पालघर, ठाणे और मुंबई में चोरी के 40 मामले पहले से दर्ज हैं। काशी मीरा पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस छात्र चोर का नाम अब्दुल शेख उर्फ अब्दुल चीरा है। अब्दुल मूलतः रहने वाला दिल्ली का है, मगर मौजूदा समय में वो नालासुपारा के अचोले परिसर में रहकर पालघर, ठाणे और मुंबई में अकेले ही चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। मामले की जानकारी होते हुए जोन 1 की DCP जयंत भजबली ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी अब्दुल पर राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई दूसरे राज्यों में चोरी के 40 मामले दर्ज हैं। हर बार एक ही तरह से चोरी करने के इसके अंदाज की वजह से काशी मीरा पुलिस ने उसे चोरी की वारदात के महज 10 घंटे के अंदर नालासुपारा रेलवे स्टेशन से जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 7,75,700 रूपए नगद, 14,65,000 के 293 ग्राम के सोने के गहने, 70,000 के 850 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 23,10,000 के करीब है। हेलो, काशीमीरा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में DB ओजोन ठाकुर मॉल के पास फिरियादी अकबर अली चुड़ियार रहते हैं। ये 23 मार्च और 26 मार्च के बीच में उनका रमजान जो महीना चल रहा है उसको चांद के दर्शन के लिए बाहर गांव गए थे। इसके दौरान, ये 3 दिन के दौरान उनके घर में थेफ्ट हुआ था। उन्होंने पूरा जब चेकिंग किया, वेरीफाई किया, तब तकरीबन 14,65,000 का 293 ग्राम सोना और 9 लाख का कैश चोरी हुआ था। उनके कंप्लेंट के बेसिस पे काशीमीरा पुलिस स्टेशन में CR नंबर 225/23 कलम IPC 454, 457 एंड 380 के तहत गुना दर्ज किया था। गुना दर्ज होने के बाद में हमारी डिटेक्शन बैंक की टीम FA गांगुडे और उनकी टीम सीनियर PI कदम, क्राइम PI पवार, ये लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो मोडिस रहता है, वहाँ पे जो विंडो रहता है उसका आयरन रॉड कट करके ये चोरी हुआ था। ऐसा चोरी करने का जो ये मोडिस है, ये हमारे काशीमीरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन बैंक की पे गांगुडे को पहले जो एक्सपीरियंस था उसके अनुसार और उनके लोकल इंटेलिजेंस के उन्होंने काम पे लगाया और ये महज 10 घंटों के अंदर हमने ये आरोपी पकड़ा है। आरोपी का नाम है अब्दुल शेख, जो रहने वाला है नालासुपारा एरिया का। इसके ऊपर तकरीबन अभी तक 40 ऑफेंसेस विभिन्न पुलिस स्टेशन में दर्ज है। उसको ताबे में लेके हमने इंट्रोगेशन किया, तब जो चोरी में तकरीबन 24,35,000 का जो माल गया था उसमें से 92-95% मतलब 293 ग्राम सोना और 7,75,000 कैश, तकरीबन 23,10,000 का मुद्देमाल हमने रिकवर किया है। इसमें जो ये लिया है, एफर्ट्स लिया है और जो इंटेलिजेंस किया है सीनियर PI कदम साहब के मार्गदर्शन में और क्राइम PI पवार साहब और API गांगुड़े स्पेसिफिक, उन्होंने उनका जो नेटवर्क है यूज करके ये महज 10 घंटों में ये थेफ्ट रिकवर डिटेक्ट किया है। सर, ये किस तरह, जैसे क्या क्या मुद्देमाल बरामद किए हैं और इसमें किन किन राज्यों में पहले मामले दाखिल किए? हाँ, इसमें विभिन्न राज्यों में मामले दर्ज है। ये आरोपी जो है बेसिकली दिल्ली बेस्ड है, अभी फिलहाल नालासोपारा में रहता है। महाराष्ट्र में और अदर स्टेट में तकरीबन 40 उसके ऊपर ऑफेंसेस दर्ज है। सर, ये अकेला 40 अपराध जोड़ी के बाद जोड़ीदार नहीं, ये अकेला ही वारदात को अंजाम देता है। चोरी की घटना के 10 घंटे के अंदर चोर के पकड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद से पीड़ित अकबर अली मोहम्मद अली चूड़ीदार ने राहत की सांस ली। अकबर अली ने काशीमीरा पुलिस का आभार मानते हुए बताया कि जिद समय उनके घर पर चोरी हुई थी, उस समय उनका परिवार रमजान की पहली चांद रात पर घूमने के लिए 23 मार्च को मुंबई के गोरे गांव गए हुए थे। 27 मार्च को जब वो अपने घर वापस लौटे तो पाया कि उनके घर में चोरी हो गया, जिसके बाद उन्होंने काशीमीरा पुलिस में चोरी का मामला दर्ज कराया और पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। काशीमीरा से नवयुग शक्ति न्यूज की रिपोर्ट। कहाँ पर आप रहते हैं और क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में जो घटना हुआ, चोरी हुआ है साहब, तो काशीमीरा पुलिस स्टेशन में हमारे साहब लोग हैं जो हमारी बहुत मदद किए और हमारा तहे दिल से उनको शुक्रिया है, जो हमारा माल बरामद कर दिए हैं
और हमारा रहने वाला ये डीबी जोन बिल्डिंग में दहसर मेरा भयंदर रोड पे है और हमारा चोरी हुआ। और तहे दिल से शुक्रिया है साहब लोग का, जो हमारा माल पैसा सोना गहना सब बरामद किए हैं, उनका सहित तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। कैसी भूमिका है आपकी चोरी को रिकवरी करने में, मेयर काशीमेरा पुलिस स्टेशन की क्या भूमिका थी? भूमिका ये सफलता ये थी कि हमारे एक ही फोन करने में तुरंत 5 मिनट में सर लोग आ गए और पूरा नीचे से ऊपर तक जितना है अंदर से बाहर तक सब उन्होंने देखभाल करके और तुरंत कैमरा हमारे सब रिकॉर्ड लिए करके फिर 24 घंटे में हमारा रिकवरी सामने बुला के उन्होंने बताया गया। यदि चोरी हुई आप लोग कहाँ गए थे? चोरी हमारे जब जिस दिन 23 तारीख 12 बजे सुबह के टाइम 12 बजे गोरेगांव गए थे हम लोग, और रमजान शरीफ का पहला चांद रात था इसके लिए हम लोग घूमने गए थे गोरेगांव। और उसी रात 24 तारीख को उसी दिन चोरी हुआ कि 24 तारीख को रात को चोरी हुआ, और उसके दौरान हम लोग दूसरे दिन आए 4 बजे के टाइम तो देखा गया कि यहाँ से सब चोरी हो रही हो गया, कबाड़ टूट गया, सब सोना चांदी गहना पैसा सब चोरी करके कपड़ा वपड़ा लेके गए उन्होंने। फिर हम लोग ने केस किया, यहाँ से फोन किया, उसके बाद में साहब लोग आए, आने के बाद में सब रिपोर्ट किया उन्होंने क्या क्या गया क्या नहीं किया गया। 24 घंटे में उन्होंने माल बरामद किए और आने वाले को क्या आप जानते थे कभी? नहीं, चोरी करने वाले को हम जानते नहीं थे, कभी नहीं देखा था वो चोरी।